हर जगह से लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मुरादें मांगते हैं। और हमें देखिए दरबार में सजावट हो रही है, उसकी पूरी तैयारी हो रही है। देखिए दरबार में सजावट होना शुरू हो चुकी है। देखिए मेरा जल रहा है, दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो। एक चीज है कि एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि कह रहे भाई ट्रेनों में सफर मत करो जी, जी, और अजमेर मत जाओ, ऐसा न्यूज वायरल हो रही ना क्या? मैं तो उस जमाने से आ रहा हूँ जी, जब सरकार गरीब नवाज में 15 रुपए का रूम मिलता था। 15 रुपए का रूम जी, इस चीज की फिक्र नहीं करते भाई, हम खाजा साहब के दरबार में आ रहे हैं, गरीब नवाज हमारी हिफाजत करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कोई कैसी भी न्यूज चला रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं, आज आप देख सकते हो जैसे इबादत करते थे हमेशा, यहाँ पे इबादत हो रही है, कुरान की तिलावत, यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं। देखिए और मैं तमाम आशिके ख्वाजा आशिके गरीब नवाज से ये अपील करता हूँ कि साहब के दरबार 25 जमातुल आखिर यानी कल वो फ्लैग सेरेमनी हो चुकी है जी, वो इस बात का आगाज होता है कि गरीब नवाज के उर्स। بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ही कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अजमेर शरीफ दरगाह का भी कैसा माहौल है और अजमेर शरीफ दरगाह में कितनी रोशनी हो चुकी है, यानी कितनी लाइटिंग वगैरह हो चुकी है, कितनी सजावट हो चुकी है, कैसा माहौल है पूरा दिखाएंगे आपको। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जानकारी करके बताऊंगा, बहुत ज़्यादा न्यूज वायरल हो रही है कि भाई अजमेर शरीफ दरगाह मत जाना, ट्रेनों में सफ़र मत करना और ट्रेनों में बसों में सफ़र मत करना, ये वो जो कह रहे हैं लोग। तो इसका क्या सच्चाई है कि अजमेर शरीफ जा सकते हैं नहीं जा सकते, कैसा माहौल है पूरा चलते हैं, खादिम साहब से जानकारी करके बताएंगे और इस बार किस तरीके से होगा वो भी जानकारी करके आपको पूरा बताते हैं। तो पूरा कंटिन्यू देखना, वीडियो समझ में आएगा तो चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस फाइनली मैं दरगाह बाजार में पहुंच चुका हूं, दरगाह बाजार का आप माहौल देख सकते हो, माशाल्लाह खासी तादाद में ज़ायरीन ख्वाजा यहां पर आए हुए हैं। ये देखिए आज के दिन का माहौल देख रहे हो, आज कल परचम कुशाई हुई थी और ये आज दूसरे दिन का माहौल है अजमेर शरीफ दरगाह का। कल मैं इंशाल्लाह विश्राम स्थल का बताऊँगा, कल यहाँ चैनें नहीं लगी थी, देखो कल मैंने अपना वीडियो बनाया था जिसमें चैन वगैरह नहीं लगी थी, आज चैन वगैरह लग चुकी है, मतलब उसकी तैयारी बड़ी जोर शोरों से यहाँ पर हो रही है और ज़ायरीन ख्वाजा खासी तादाद में यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। देखिए किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, माशाल्लाह ये देखिए अब दरगाह मेन गेट पे हम लोग आ चुके हैं। वो जो रोशनी बहुत ज़्यादा वीडियो में वायरल है, उस गेट मेन गेट पे नई सजावट, वो सजावट आप लोगों को दिखाते हैं, कोशिश करते हैं अगर वो सजावट, अभी वैसे लाइट बंद है, अगर लाइट खुली होती तो मैं आप लोगों को दिखाता, बहुत अच्छा लगता मंजर यार। ये देखिए अभी दिखाता हूँ मैं जो नया हुआ, आप लोगों ने देखा दरगाह मेन गेट का माहौल। हाँ कहाँ से हो आप लोग? आंध्रा वाले, कैसा माहौल है? अच्छा है, अच्छा। एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी ना कि भाई अजमेर दरगाह मत जाना, ट्रेनों में सफर मत करना, ऐसा कौन बोल रहे? मतलब सब माहौल अच्छा है, ये गरीब नवाज के बारे का, इधर आना है क्या बात है, माशाल्लाह बेशक। तो देखिए यहाँ मिस्टर खान अजमेर, तो आप देख सकते हो दरगाह मेन गेट पे कितनी खूबसूरत सजावट हुई है यहाँ पर। देखिए दरगाह मेन गेट पे गुम्बद शरीफ को बनाया गया है, बिल्कुल गरीब नवाज सरकार के गुम्बद की तरह यहाँ पर लाइटें लगाई गई है। अब अंदर चलता हूँ, अंदर कैसा माहौल है दिखाते हैं, कवाली वगैरह सुनाते हैं। देखिए ज़ायरीन ख्वाजा आए हुए हैं, ये देखिए सुभान अल्लाह, ये देखिए सुभान अल्लाह कैसा माहौल है अजमेर शरीफ दरगाह के यहाँ का, ये देखिए सुभान। तो देख सकते हो हिंदू मुसलमान सारे धर्म जाति के लोग यहाँ पर आते हैं। एक्सक्यूज मी, किधर से आप लोग? आसाम से। अरे वाह क्या बात है, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या नाम होगा आपका? तपस्या रॉय। आप? वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। मेरा नाम राकिब अहमद है। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हम अजमेर से ही हैं। कैसे? अजमेर से। आप भी ब्लॉग बना रहे हो क्या? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये क्या हुआ, देख सकते हैं आप? क्या हुआ यहाँ पे? लड़ाई मार कुछ नहीं होती, आप सब आ सकते हैं, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। अभी वो हिंदू लोग आए थे वैसे कुछ, हाँ ना? सही है। ये देखिए चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, कोई भी आए इस टाइम में, इस बारिश के मौसम में एक चीज़ बता दूँ, कश्मीरी लोग बहुत आते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। कैसा है? कश्मीर से। तो अभी कश्मीर में बर्फ गिरा नहीं? गिरा अभी, गिरने वाला है, अभी नहीं गिरा है। अच्छा, गिरने वाला है, गिरने वाला अभी गिरा नहीं है, माइनस में चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अभी कैसा मंजर, कैसा लग रहा है अजमेर का? बहुत अच्छा, जबरदस्त। मतलब सब बढ़िया है? बढ़िया, ओके। अच्छे से ज़ियारत कर ली? अच्छी से। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? मोहम्मद रफीक भट्ट। माशाल्लाह, ठीक है। कश्मीर। अरे क्या बात है, कश्मीर में कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा। बांडीपुरा से भाई, माशाल्लाह। तो देखिए, कश्मीरी हो, हिंदू मुसलमान, सब जाति धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। अभी माहौल काफी खूबसूरत है, अभी अंदर जाते हैं। अब अंदर जाके दिखाते हैं कैसा माहौल। तो ये देखिए, हम लोग दरगाह शरीफ में पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है। रात के बज चुकी है 7:30, 7:30 बज चुकी है रात का, और रात के 7:30 बजे यहाँ पे देखिए माहौल अजमेर शरीफ का जारी। ने ख्वाजा आ रहे जा रहे, देखिए केरला से आए ये लोग, तो यहाँ पर हर जगह से, हर जगह से यहाँ पर लोग आते हैं। देखिए ज़ियारत करते हैं, ये लोग भी आए। कहाँ से आप लोग? गुजराती छे मारे, तो गुजराती खबर पड़े छे माशाल्लाह। अच्छा, माहौल कैसा, बढ़िया लगा? अच्छा, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं वायरल हो रही है कि अजमेर मत जाना, ट्रेनों में सफ़र मत करना, क्या लगता है, क्या सुन के लगता है तुम्हारे को, कैसा लगता है? गलत न्यूज़ है, मतलब अजमेर आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ गए, ज़रूरत हो रही है, कोई परेशानी नहीं है, है ना? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं कहाँ वाले जी? आपका वीडियो देखता हूँ मैं। अच्छा, बहुत 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 शुक्रिया। कहाँ से हो? इंदौर से। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाई बता रहे हमारे इंदौर से हमारी वीडियो को देखते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया। ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं भाई, वीडियो को शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ये कर्नाटक से हैं ये, माशाल्लाह मेरी वीडियो को देख के इनका तहे दिल से शुक्रिया। आप कहाँ से? इंदौर से हैं। अच्छा, इंदौर से। बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, लोड कर लिया है। क्या बात है, लोड कर लिया वीडियो, मतलब वीडियो इतना अच्छा लग गया। बहुत अच्छा लग गया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात बताओ जी, अभी एक सुनो, अभी एक न्यूज वायरल हो रही है कि भाई ट्रेनों में सफर मत करो, अजमेर मत जाओ, क्या दिख तो कैसा लगता है कि अगर ये न्यूज फेक वायरल होती है? फेक है, फेक है, फेक न्यूज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमान वालों के लिए अल्लाह के अलावा किसी चीज़ की नहीं चाहिए। क्या बात है, ईमान वाले देखेंगे सब। हाँ, मतलब कोई टेंशन नहीं, आओ और आराम से, आराम से आए, आराम से जा रहे। मतलब परेशानी, तुम कब आए थे अजमेर? 12-8 तारीख को आए, 8 तारीख को आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मेरी वीडियो देखे भाई ने, नोट करके रख लिया भाई, दिखा रहे माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वालेकुम सलाम, आप कहाँ से? अरे बुंदेलखंड से आए भैया, माशाल्लाह, बांदा के पास से हैं। अरे वाह, हमारे गांव तरफ से भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बराबर देखते हैं। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा छुट्टी थे। मैं यही चल रहा था, अजमेर में ही रहता, मिलता हूँ मैं, कुछ चाय नाश्ता लेंगे आप लोग? नहीं नहीं, मिलता हूँ, खुश हुआ। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज न्यूज वायरल, एक बहुत ज्यादा न्यूज वायरल हो रही है कि भाई ट्रेनों में सफर ना करे, अजमेर ना जाए, कैसा लगता है, क्या 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 कहना चाहोगे? जो हम लोग इस चीज की फिक्र नहीं करते भैया, हम ख्वाजा साहब की दरबार में आ रहे हैं, गरीब नवाज हमारी हिफाजत करते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कोई कैसी भी न्यूज चला रहा है। अच्छा, तो भली ऐसी न्यूज फेक वायरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अजमेर में जाना है, बिल्कुल जाना है, और जरूरत करके आना है, बिल्कुल बेशक, और गरीब नवाज सरकार का उर्स मनाना है, बिल्कुल मनाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, तहे दिल से शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं दरगाह मेन गेट पे हम लोग, आप देख सकते हो बुलंद दरवाजे पे पहुंच चुका हूं मैं, और यहां पे आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा सजावट हो गई है, गुम्मद शरीफ आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आप देख सकते हो दरगाह गरीब नवाज की बारगाह देख सकते हो, दरबार उर्स के मौके पर कितना खूबसूरत प्यारा सजाया गया है माशाल्लाह। जो जारी ने ख्वाजा आ रहे हैं उनके लिए मैसेज हो गया है कि भाई अजमेर शरीफ दरगाह में आप लोग आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जारी ने ख्वाजा आ रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं, और माशाल्लाह दुआएं मांग रहे हैं, सबकी दुआएं कबूल भी हो रही है माशाल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है उर्स के मौके का। ये देखिए सुभान अल्लाह, सलाम अलैकुम। तो देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है माशाल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं दरबार शरीफ के तरफ, जहाँ पे हजरत होंगे जो यहाँ के खादिम साहब, उन्हीं से जानकारी करके आपको थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में हम बताएंगे। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये वजू खाना आप देख सकते हैं।
ये बहुत पुराना वजू खाना, पूरा हिस्ट्री अजमेर दरगाह की अगर चाहिए आपको जानना है तो मैं वो वीडियो पे यूट्यूब पे डाल रखा हूँ, वो आप जा कर के देख सकते हैं, पूरी हिस्ट्री मैंने डाल रखी है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हो हम लोग दरबार की तरफ जा रहे थे, रास्ते में देखिए दरबार में सजावट हो रही है, उर्स की पूरी तैयारी हो रही है, देखिए दरबार में कुछ इस तरीके से लाइटें लगना शुरू हो चुकी है, पूरे दरबार में सजावट होना शुरू हो चुकी है। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए यहाँ पे देखिए लाइटों को लगा रहे हैं यहाँ पे ऊपर चढ़ के, और ये देखिए लंगर गरीब नवाज के बारगाह पे 2400 घंटे यहाँ पे कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे लाइन लगा करके, यहाँ पर देख सकते हो लाइन लगा करके जारी ने ख्वाजा को लंगर दिया जा रहा है। बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, जापान हो, हर जगह से लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नत मुरादें मांगते हैं, और इनके सदके वसीले से अल्लाह ताला सबकी मन्नत मुरादें पूरी करता है। ये देखिए सुभान अल्लाह, उसके माहौल पे कितना खूबसूरत प्यारा दरबार गरीब नवाज की चौखट को सजाया गया। देखिए मेरा जल रहा है सीना, के दवा वही मिलेगी, के दवा वही मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना मदीना मदीना, मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, तस्वीर मुस्तफा जो नजर आ रही है दिल में, मैं यही सोचता हूँ, मैं यही सोचता हूँ, मेरा दिल है यहाँ मदीना मदीना, मैं यही। ये देखिए सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा माहौल है, और कितनी खूबसूरत प्यारी सजावट हुई है दरबार गरीब नवाज के बारगाह पे, उर्स के मौके पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर जन्नती दरवाज़ा है, इसके अपडेट देंगे हम आप लोगों को। तो अभी देख सकते हैं जन्नती दरवाज़ा उर्स के मौके पे जो खुलता है, अभी जन्नती दरवाज़ा नहीं ओपन हुआ है, पर जन्नती दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा मैं आपको बताऊँगा, और अभी जानकारी करके आपको बताऊँगा हजरत से कि उर्स में क्या क्या रस्म रिवाज चालू होती है, और किस टाइम से कौन क्या होता है यहाँ पे प्रोग्राम, वो पूरा जानकारी देंगे आप लोगों को। ये देखिए सुभान अल्लाह, ये मस्जिद के अंदर से जाके दिखाते हैं कैसा माहौल है। ये देखिए लाइटी वगैरह टेस्टिंग कर रहे थे वो लोग, ये देखिए खूबसूरत कितना खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह। ये देखिए दरबार गरीब नवाज में चादरों को पेश करने के लिए यहाँ पे जारी ने ख्वाजा जा रहे हैं सुबह में, चलते हैं अब हजरत आएंगे, उनका थोड़ा इंतजार करेंगे, जैसे हजरत आएंगे उनसे जानकारी करके आप लोगों को बताएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए अजमेर शरीफ का माहौल, यहाँ पे कवाली वगैरह पहले होती थी, अभी कवाली वगैरह नहीं हो रही, देखिए यहाँ पर खिदमत के टाइम में कवाली नहीं होती है। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम, कहाँ से आप? सब्सक्राइब किया है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, कहाँ से आप? कर्नाटक बेंगलोर। बहुत बहुत शुक्रिया, कैसा माहौल इस बार? बहुत अच्छा है, मतलब खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह, बहुत ढूंढता फिर रहा था। अरे वाह, देखिए भाई हमारी वीडियो देखते हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया। आपकी वीडियो देखिए, इधर आए, रूम किधर लेना है, गाड़ी किधर लेना, पूरा देखिए इधर आए। अच्छा माशाल्लाह, तो इसी तरीके से अजमेर शरीफ का पूरा मैसेज आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा, पहुँचाता था पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए अजमेर शरीफ दरगाह पे इस तरीके से खिदमत खल के जा रही है, जारी ने ख्वाजा के लिए चाय का भी इंतजाम करा गया है, कुछ इस तरीके से माहौल हो जाता है माशाल्लाह। ये वो देखिए वो कैमरे में नहीं आए, वो जो चाय दे रहे थे उन्होंने कहा ये गरीब नवाज के नाम पे चाय सबके लिए, जारी ने ख्वाजा के लिए लंगर है। जहाँ पे खासी तादाद में किन्नर समाज के लोग भी आते हैं ज़ियारत करने के लिए, तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप लोगों की किस तरीके की मान्यता होती है कि मैं देखता हूँ खासी तादाद में उसके मौके पर आप आते हैं, सोने चांदी के कलश भी पेश करते हैं आप लोग, और गरीब नवाज की बारगाह में काफी बड़ी बड़ी चादर भी पेश करते हैं आप लोग, तो थोड़ा मुझे बताएं जी।
हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना जी। हमारी हर मुराद यहाँ पे पूरी होती है जी। हम ख्वाजा गरीब नवाज से मांगते हैं, हमें वो मिलता आएगा जी। जैसा हमें ख्वाजा गरीब नवाज देते हैं, हम उसी हिसाब से खूब लंगर करते हैं, खूब गरीबों को देते हैं, मदद करते हैं। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज दे रहे हैं, बेशक करके मदद करते हैं। सही है। तो इस बार आप लोगों की चादर कब पेश होगी दरबार में जी? हो गई हमारी चादर पेश। अच्छा, हो गई आज पेश हुई है? परसों की आई है। अच्छा, परसों आए। कहाँ से आए आप लोग? मैं आई हूँ उत्तराखंड से, लुधरपुर से जी, दिल्ली से आई हूँ। अच्छा, तो आप लोग हर साल आते हो? हर साल में दो चक्कर तीन चक्कर लग जाते हैं हमारे। मतलब गरीब नवाज आपको बुलाते हैं और आप आते हैं? उनका बुलावा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या होगा आपका? खुशबू। सोनम जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, हमारे साथ में कानपुर के भी कुछ मेहमान आए हुए माशाल्लाह। किस बार, इस बार किस तरीके का माहौल लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है। मैं तो उस जमाने से आ रहा हूँ जी, जब सरकार गरीब नवाज में 15 रुपए का रूम मिलता था। 15 रुपए का रूम जी। मैं, मेरे ख्वाजा का मुझ पे बहुत सभी लोग पे करम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ताए रसूल का करम है जी। मैं दीवाना है ख्वाजा हूँ, सब भी दीवाने जी। जो ख्वाजा से मोहब्बत करे, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल अहले बैत का करम है। बेशक। कि मैं उस जमाने से आ रहा हूँ, सरकार गरीब नवाज मुझे बुला रहे, जब 15 रुपए का रूम मिलता था, जब से आ रहे हैं। ये ख्वाजा खानदान का करम है कि मैं उस इस चौखट को मरते दम नहीं भूलेगा। मैं कानपुर रहता लेकिन मेरा दिल ख्वाजा की तरफ रहता। बेशक, सुभान अल्लाह। तो कितना साल हो गया आपको आते हुए यहाँ पर? कम से कम 35 साल हो गया। 35 साल हो गया आते हुए। गरीब नवाज हमको साल में 4 दफे 5 दफे गरीब नवाज अताए रसूल का सदका है। जब चाहते हैं वो बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आपका नाम क्या होगा? हमारा नाम इम्तियाज अहमद चिश्ती जी। अच्छा, एक चीज है कि एक न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि कह रहे भाई ट्रेनों में सफर मत करो जी, जी, और अजमेर मत जाओ, ऐसा न्यूज वायरल हो रही ना? क्या ऐसा? अभी हम लोग तो कानपुर से आए, ऐसा कोई नहीं, सभी लोग मौजूद थे वहाँ पे, हर तरह का, कोई माहौल खराब नहीं है, नहीं। अच्छा है माहौल, मतलब बिंदास आओ ट्रेनों में सफर करो, कोई दिक्कत नहीं है? हमारे सकील भाई है, देखिए अभी है। अच्छा अच्छा, ये कहाँ गए आप लोग? कर्नाटक से आए हो? इतनी दूर से ट्रेन में ही आए हो? अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आराम से आ गए माशाल्लाह। ये गरीब नवाज बुलाते हैं तो हम आते हैं। सही बात है, सही बात है, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो आप चलते हैं हजरत की गद्दी पे, वहीं पे जाकर के जानकारी लेंगे और आपको पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि अजमेर में अभी कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं और क्या क्या हुआ कल, पूरा आज क्या क्या हुआ वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अजमेर शरीफ दरगाह में अभी क्या माहौल है, और जैसे ही कल परचम कुशाई हुई है यानी फ्लैग सेरेमनी, तो कहा जाता है कि उसका आगाज हो चुका है, और एक और सवाल है लोगों पे जहन पे आया हुआ है कि भाई अजमेर शरीफ दरगाह ना जाए, कहीं ट्रेनों में सफर ना करे, गाड़ियों में सफर ना करे, ये मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है हजरत, तो ये इसका क्या बता सकते हैं हमें थोड़ा सा, क्या मैसेज अजमेर शरीफ से इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम आशिक गरीब नवाज, आशिक ख्वाजा जो हैं, उनको आपके चैनल के जरिए से उर्स की 812वें उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमीन। और हम जमिया खुद्दाम की जानिब से ख्वाजा साहब के दरबार में ये दुआ करते हैं कि सबको गरीब नवाज अपने कदमों में बखैर व आफियत बुलाएं। आमीन। और उर्स की तमाम रसूमात तकमील होने के बाद में बखैर व आफियत अपने अपने घरों तक पहुंचाएं। तो ख्वाजा साहब के दरबार का जो उर्स है वो जिस तरीके से मनाया जाता है, इंशाल्लाह उसी तरीके से मनाया जाएगा। और मैं तमाम आशिक ख्वाजा आशिक गरीब नवाज से ये अपील करता हूं कि कोई भी घबराने की बात नहीं है जी। यहां पर कोई भी ऐसी खराब माहौल नहीं है, और हमें पूरा यकीन नहीं, हमारा ईमान है कि तमाम आशिक गरीब नवाज, जिनको भी गरीब नवाज अपने कदमों में बुलाएंगे, वो बखैर आफियत यहां तक पहुंचेंगे। चूंकि इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो जिनको ख्वाजा साहब बुलाएंगे वो यकीनन यहां पर तशरीफ लाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग हों। हमारे मुल्क में जितनी भी जातियां, जितने भी धर्म रहते हैं, वो सब गरीब नवाज के आशिक हैं। और हमारे को, हमारी जो भारत सरकार है उसके ऊपर भी पूरा भरोसा है कि वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी देंगे लोगों को, और कोई भी ऐसा माहौल खराब नहीं होगा। मैं खुसूसन ख्वाजा साहब के दरबार से ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो सरकार गरीब नवाज का पैगाम है, कि
इंसानियत और मसावात का पैगाम। इंसानियत और मसावात का मतलब यह है, मसावात का मतलब है इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड क्रीड। ख्वाजा साहब का पैगाम यह है कि लव टूवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टूवर्ड नन। ख्वाजा साहब का पैगाम यह है कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी के लिए भी नहीं। बेशक। और खुसूसन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इस पूरी ग्लोब के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर जैसा मुल्क हमारा हिंदुस्तान है, ऐसा मुल्क कोई मुल्क नहीं। बेशक। क्योंकि हमारे इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि ये मुल्क जो है एक गुलदस्ते की तरह है। गुलदस्ते की तरह ऐसे है कि इसमें हर कलर के फूल खिलते हैं। जब गुलदस्ते में हम अलग अलग कलर के फूल सजाते हैं तो वो गुलदस्ता जेबा और शोभा देता है। यानी हमारे जो फूल का मतलब है इस वक्त, वो तमाम धर्म और जातियों का मकसद है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर हर धर्म हर जाति जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर के बड़े सुकून के साथ रहती है। बेशक। और हम ख्वाजा साहब के दरबार में ये दुआ करते हैं कि ये सुकून बरकरार रहे और इसी तरीके से सब कौमें, सब धर्म, सब जातियाँ मिलकर के एक दूसरे के साथ में रहें। अहले हरम पर ही फकत रोशन नहीं अजमत तेरी, अहले हरम पर ही फकत रोशन नहीं अजमत तेरी, हिंदू भी कहते हैं यही ख्वाजा हरी ख्वाजा हरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जनाब मैं और एक चीज जानना चाहूंगा कि कल फ्लैग सेरेमनी हुई है तो आज से क्या क्या रस्म रिवाज स्टार्ट हो जाती है या फिर कब से मेन उर्स का आगाज होता है? देखिए परचम कुशाई जो है फ्लैग सेरेमनी जी, वो 25 जमादुल आखिर से ख्वाजा साहब के दरबार में 25 जमादुल आखिर यानी कल वो फ्लैग सेरेमनी हो चुकी है जी। वो इस बात का आगाज होता है कि गरीब नवाज के उर्स की शुरुआत हो चुकी है जी। और जैसे कि आज 26 तारीख है, 25 तारीख से ख्वाजा साहब की जो खिदमत का टाइम दिन का रहता है जी, वो चेंज होके शाम का हो जाता है 8 बजे का जी। और आज 26 तारीख है तो 28 तारीख को यानी जुमेरात के दिन जी, आज मंगल है, ट्यूसडे है, थर्सडे के दिन ख्वाजा साहब के दरबार में जो साल भर संदल पेश होता है 28 तारीख के दिन चांद की जी, वो संदल जो है ख्वाजा साहब के मजार से पूरा उतारा जाता है। वो इसलिए उतारा जाता है ताकि जितने भी आशिक गरीब नवाज जो साल भर यहाँ तशरीफ लाते हैं जी, उन सबको वो साल भर का संदल जो है ख्वाजा साहब के दरबार से हम तकसीम करते हैं जी। और चांद रात से यानी अगर 29 तारीख को चांद होता है तो चांद रात के दिन से ख्वाजा साहब के दरबार में पहला गुसल दिया जाएगा और जन्नती दरवाजा खोला जाएगा जी, जो 6 दिन तक खोला जाता है जी। और ख्वाजा साहब के दरबार में चांद रात से लेकर के और 6 शब तक तमाम खुदाम गरीब नवाज की जानिब से ख्वाजा साहब के दरबार में गुसल दिए जाते हैं, 6 गुसल दिए जाते हैं जी। तो ये सब उसकी रसूमात हैं जी, जो इंशाल्लाह खुश असलूबी के साथ में पाए तकमील तक पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जारीन ख्वाजा भी आना चाहते हैं या किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है और दरबार में आप किस तरीके से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं? रुकती देखी ही नहीं गर्दिश तेरे पैमाने की, वह क्या शान है ख्वाजा तेरे महकाने की। बेशक सुभान अल्लाह। तो ख्वाजा साहब का दरबार वो है जहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं, फरिश्ते देखने आते हैं इंसानों की क्या गिनती, तुम्हारे दर के ये मंजर मोइनुद्दीन गदा परवर। यहाँ पर इंसान तो आते ही हैं, यहाँ पे आसमान से अल्लाह ताला फरिश्ते ख्वाजा साहब के उर्स में उतारते हैं। बेशक। और यहाँ पर जितने भी लोग उर्स में आना चाहते हैं, हम आपके चैनल के जरिए से उन सब के लिए दुआ करते हैं कि गरीब नवाज उनको साथ खैरियत से अपने कदमों में बुलाएं। और जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, हम दुआ करते हैं कि गरीब नवाज उनको घर बैठे अपनी नज़र ख़ास इनायत फरमाएं और उन लोगों को भी अपने कदमों में आने की तौफीक अता फरमाएं। जो जो दुआएं इल्तिजाएं करें पंजतन पाक के सदक़े में, गरीब नवाज उन सब की इल्तिजाओं को कबूल फरमाएं। और खुसूसन इस वक्त जो माहौल चल रहा है, हम ख़ास तौर से ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के मौके पर ये दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में अमन अमान रहे, तमाम कौमें जितनी भी हैं सब भाईचारगी से रहें और सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ में रहें। तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, जो आने वाले जारीन वो आ सकते हैं, कोई रोक टोक कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर। देखिए मैं सबसे अपील ये करना चाहूँगा कोई भी अफवाह में नहीं आए और सब लोग इंशाल्लाह ख्वाजा साहब के उर्स में आए, जहाँ जहाँ जिसको जाना है वहाँ जाएं। हमारे मुल्क का माहौल इंशाल्लाह गरीब नवाज निगेबान है, सब अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सैयद फखरे मोइन चिश्ती, गद्दी नशीन, खादिम हुजूर गरीब नवाज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं आज। आप देख सकते हो जैसे इबादत करते थे हमेशा, यहाँ पे इबादत हो रही है, कुरान की तिलावत, यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं। देखिए सजावट कितनी खूबसूरत हुई है यहाँ पे माशाल्लाह। और जैसे ही उसका पूरा माहौल स्टार्ट हो जाएगा वो पूरा आपको दिखाऊंगा। ये देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए यहाँ पे झूमर वगैरह, ये फूलों से सजावट माशाल्लाह देखिए। और आप देख सकते हो अजमेर दरगाह का जैसे ही उर्स स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर शहनाई और ढोल नगाड़े बजना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप देख सकते हो ये दरगाह बाजार में मस्तान मलंग बाबा लोग जो जारी ने ख्वाजा आए हुए हैं उनको लुभान देते हुए, दुकानों पे लुभान देते हुए कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ जाएंगे। और उर्स में कुछ इस तरीके का माहौल हो जाता है माशाल्लाह कि देखते ही बनता है माशाल्लाह। तो मैं दुआ करूँगा कि आप दरबार में आ पाएँ और आप भी अपनी आँखों से मंजर देख पाएँ इंशाल्लाह। बस यही कहूँगा कि भाई चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मोटी कटले पे और यहाँ पर टेंट हाउस भी बन चुका है। यहाँ पे काफ़ी जारीनों के लिए सुविधा के लिए बनाया जाता है हर साल, इस बार भी बनाया गया, देखते हैं क्या बना है। मोटी कटला कैंप लगा हुआ है नगर निगम की तरफ से। ये देखिए नगर निगम की तरफ से यहाँ पर कैंप लगाया गया है। तो यहाँ पर ये जो टेंट लगाया गया जनाब, ये किस लिए लगा यहाँ पर? ये गरीब नवाज सरकार का उर्स चालू होता है जब जी, झंडा होता है, कल झंडा था जी। तो जब मेहमान शुरू हो जाता है अजमेर में आना तो जायरीन की तबीयत खराब हो जाती है। जायरीन हो, लोकल हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए कैंप लगाया जाता है, फ्री इलाज होता है, दवाइयाँ फ्री मिलती है। अरे वहाँ दवाई वगैरह के लिए पैसों से कुछ नहीं लगते हैं, सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ये लगता है। ये गेट के अंदर लगता है। अच्छा, ये मोती गड्ढा सिड्डी चढ़ते ही सब्जी मंडी मोती गड्ढा के अंदर लगता है ये कैंप, 10 दिन उर्स के लिए लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्री इलाज होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहीं पे दुकान है, गेस्ट हाउस भी यहीं आपका है, जोया गेस्ट हाउस, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपको पता है मैं अजमेर शरीफ में हूँ और अजमेर शरीफ में भी मैं फ्री कैंप दिखाने आया था और यहाँ पर हमारे भाई लोग मिल गए माशाल्लाह जो कि दिल्ली से, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमसे इतनी मोहब्बत करते, बोले खान साहब आप खिदमत कल करते हो, दिन बुजुर्गाने दिन की बारगाहों की वीडियो बनाते हो, लोगों तक मैसेज पहुँचाते हो, तो आपको चाय नाश्ता सब कुछ फ्री पिलाएंगे क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है। इंशाल्लाह फ्री मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का लंगर है। बेशक बेशक।